फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ सूजी से गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन में 2 कप चीनी ले लिया है। अब इसमें हम 1.5 कप पानी डालेंगे, फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। आधा चम्मच से थोड़ा कम इसमें हम इलायची का पाउडर डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से चीनी में मिलाएंगे। अब चीनी को हम घुलने देंगे। तो चीनी अब अच्छी तरह से घुल गई है, तो अब मीडियम फ्लेम पर इसे हम 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। हमें चाशनी में कोई तार वगैरह नहीं बनाना है, हमें बस चिपचिपा सा चाशनी बनाकर तैयार करना है। इसे उबलते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं, तो अब इसे हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, इसे हम उंगली से इस तरह से कर रहे हैं तो ये एकदम चिपचिपा सा है, इसका मतलब है चाशनी बनकर तैयार है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम ढक करके साइड में रख देंगे। अब मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है, तो अब इसमें हम 2 कप दूध ले लेंगे और दूध में हम उबाल आने देंगे। अब इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे और इसे हम दूध में अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो दूध में अब उबाल आ गया है, तो अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप बारीक वाली सूजी लिया है, ये देखिए। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो उसे आप एक बार मिक्सी जार में चला लीजिएगा, इससे सूजी बारीक हो जाएगी। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और दूध में अच्छी तरह से सूजी को हम मिलाते जाएंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पर लो कर लिया है। ये देखिए, सूजी एकदम आटा की तरह लगने लगा है, तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक कि ये डो की तरह नहीं बन जाए। तो ये देखिए, अब ये डो की तरह बन गया है, ये पैन छोड़ने लगा है, तो अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर एक प्लेट को घी से ग्रीस कर लिया है, तो अब इस प्लेट में हम डो को निकाल लेंगे। इसे हम 1-2 बार ऐसे चलाएंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसे हम तुरंत हाथों से टच नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। तो अभी हल्का सा ठंडा हो गया है, इसे हम हाथों से आसानी से छू सकते हैं। तो अब इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे हम हथेली से मस लेंगे और एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपको लगे कि डो ड्राई हो रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा गुनगुना दूध मिला सकते हैं और फिर इसे अच्छी तरह से मसल कर सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, डो हमारा बनकर तैयार हो गया है, ये एकदम सॉफ्ट डो बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए। अब हाथों में मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है, तो अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा डो लेंगे और इसे हम बॉल्स की तरह बनाकर तैयार करेंगे। बस ध्यान रहे, बॉल्स बनाते समय बॉल्स में क्रेक नहीं रहने चाहिए, नहीं तो बॉल्स फ्राई करते समय खुल जाएंगे। हमें एकदम चिकना सा बॉल्स बनाकर तैयार करना है, ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, बॉल्स में कहीं से भी कोई क्रैक नहीं है। तो इसी तरह से हम सभी डो का बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एक बैच मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, तो अब इसे हम फ्राई कर लेंगे और बाकी बचे डो को हम बाद में बनाकर तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर एक पैन में रिफाइन ऑयल को गर्म कर लिया है। आप यहाँ पर रिफाइन ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिफाइन ऑयल मीडियम गर्म है, तो अब इसमें हम 1-1 करके बॉल्स डालेंगे और इसे हम एक तरफ से पकने देंगे। इसे हम तुरंत टच नहीं करेंगे, एक साइड से इसे हम फ्राई होने देंगे। थोड़ी देर के बाद इसे हम एक बार इस तरह से हिला देंगे। तो एक साइड से ये फ्राई हो गए हैं, तो अब इसे हम धीरे धीरे पलटेंगे और इसे हम उलटते पुलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर मैंने मीडियम ही रखा है। इसे हम बीच बीच में उलटते पुलटते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो सके। और आप देख सकते हैं बॉल्स में कितना प्यारा कलर आ गया है, ये देखिए, बॉल्स कहीं से भी फटे नहीं है।
तो सभी बॉल्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तो अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। अब हमने जो चाशनी बनाकर तैयार किया है उसी चाशनी में हम सभी बॉल्स को डाल देंगे। चाशनी अगर ठंडी हो जाए तो उसे दोबारा से गर्म कर लीजिएगा, क्योंकि गुलाब जामुन हमेशा गर्म चाशनी में ही डाला जाता है। तो सभी बॉल्स को मैंने चाशनी में डाल दिया है, तो अब इसे ढक करके हम साइड में रख देंगे और बाकी बचे डो को हम सेम प्रोसेस से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सभी बॉल्स को मैंने बनाकर चाशनी में डाल दिया है, तो अब इसे हम ढक करके साइड में रख देंगे आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे के बाद इसे हम निकालेंगे। तो लगभग आधे घंटे के बाद इसका हम ढक्कन हटाएंगे, और ये देखिए सभी बॉल्स अपने साइज में डबल हो गए हैं। बॉल्स में चाशनी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो गए हैं, ये देखिए। तो सूजी के गुलाब जामुन बनकर तैयार है सर्व करने के लिए, ये एकदम जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।